Okay, good morning and welcome to Nagaland English Academy, Maya Thola Jagdishpur. Please subscribe, like और शेयर कीजिए नागालैंड इंग्लिश एकेडमी माया टोला जगदीशपुर को. और हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश लेसन 1 का शुरुआत हमने कल किया, जिसमें हमने पढ़ा, हमने देखा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इनके लेखक के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हमने पढ़ा, जिसका ट्रांसलेशन मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया था. आज हम लेसन पे आगे बढ़ेंगे और हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे. सो स्टूडेंट्स प्लीज बी विथ मी एंड एंजॉय द सेशन. हमारा जो चैनल है उसका नाम है नागालैंड इंग्लिश एकेडमी माया टोला जगदीशपुर. इस चैनल को आप लोग सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे. प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास 12 के बच्चे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर सकूं. और मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को लेसन समझ में आ रहा है कि नहीं. तो आज हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश लेसन 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं. तो आइए मेरे साथ क्लास में एंजॉय कीजिए. इंग्लिश में जो लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. लिखा है फर्स्ट लाइन में, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate, the might of the pharaohs were broken, Japan became westernized. Of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learned their lessons from the writing of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable कंडीशन. फर्स्ट स्टेंजा है, पहला स्टेंजा का है. इंग्लिश में मैंने बताया, अभी हिंदी में आप लोगों को समझा रहे हैं. लिखा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. इसका मतलब यह हुआ कि मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत में विकसित हुई वो दुनिया में कहीं उसको मात नहीं दिया जा सकता. दुनिया में जितनी भी सभ्यता है उन सभ्यता से आगे है भारत की सभ्यता. ये कहना है मोहनदास करमचंद गांधी का पहला लाइन में. आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत में विकसित हुई वो दुनिया के जितने भी सभ्यता है उन सभ्यता से ये बहुत आगे है, इसको कोई मात नहीं दे सकता. अगले लाइन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर. नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर. ऐसा कोई चीज नहीं है जो बराबरी कर सकता है. किसकी बराबरी कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा है, सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोई गई है. इसका मतलब हो गया कि जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं उस चीज़ की कोई भी वस्तु या कोई भी सभ्यता उसकी बराबरी नहीं कर सकती है. रोम वेंट, अगले लाइन में आते हैं, रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, द माइट ऑफ द फोर्स वर ब्रोकन, जापान बिकेम वेस्टर्नाइज, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे दुनिया में सभ्यता ऐसे हुई है आज तक, जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में आपका रोम की सभ्यता, वो खत्म हो चुकी है. रोम की सभ्यता खत्म हो गई,
उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ग्रीस, ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो रोम का हुआ, उसका भी सभ्यता खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन उसका भी विनाश हो गया, उसका भी अब कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोम और ग्रीस और मिस्र की सभ्यता समाप्त हो चुकी है। जापान का भी सभ्यता था, लेकिन वहाँ के लोग जो युवा पीढ़ी है वो अब पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने अपना लिया, अपना सभ्यता छोड़ के वो पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने अपना लिया है। चाइना, यहाँ पे लिखा है ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चाइना का सभ्यता अभी बचा हुआ है, युवा पीढ़ी चाइना के सभ्यता को उन्होंने संजो के रखा है, अभी उनका सभ्यता बचा हुआ है। लेकिन कब तक बचेगा, मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि चाइना की सभ्यता कब तक बची रहेगी। आगे यहाँ पे लिखा है कि इन सारे चीज़, जैसे कि रोम का सभ्यता चला गया, ग्रीस का चला गया, मिस्र का चला गया, जापान वेस्टर्नाइज पश्चिमी सभ्यता अपना लिया, चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत किसी तरह से अपना सभ्यता को, जैसे उन्होंने नींव रखी थी अपनी सभ्यता की हमारे पूर्वजों ने, भारतीय सभ्यता अभी भी स्थिर खड़ी हुई है ज्यों के त्यों। और आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम व्हिच एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग हैं कहाँ के, यूरोप के जो लोग हैं वो सीखते हैं, किस चीज़ से सीखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप के जो लोग हैं वो सीखते हैं, बहुत सारे लेख जो छोड़ के गए हैं रोम और ग्रीस के लोग, उनसे ये सीखते हैं, लेकिन रोम और ग्रीस का सभ्यता का विनाश हो चुका है, वो जिस हाल में शुरू में थे उनका सभ्यता बहुत फल फूल चुका था उस समय, अब नहीं है, तो वो अपना महिमा खो चुके हैं, उन चीज़ से सीखते हैं। और उनको ये लगता है, यूरोप के लोगों को ये लगता है कि इससे क्या होगा कि वो गलती ना दोहरा पाएंगे, वो गलती नहीं दोहराएंगे जो रोम और ग्रीस ने दोहराया और अपना सभ्यता खो दिया। लेकिन ये एक गलत फहमी है, किसका गलत फहमी है, तो यूरोप के लोगों के लिए, क्योंकि वो सीख रहे हैं दूसरे की सभ्यता से ना, यूरोप कहाँ से सीख रहा है, तो रोम और ग्रीस की सभ्यता से सीख रहा है, जो लेख जो भी वो छोड़ के गए थे, तो ये एक उनका गलत फहमी है कि वो लोग वो गलती ना दोहराएंगे जो रोम और ग्रीस दोहराया था। लेकिन इन सब के बढ़ते हैं आगे, एक मिनट, तो ये एक ऐसा सिचुएशन बन गया है यूरोप के लोगों के लिए कि हमें उन पे तरस आता है, ये कहना है मोहनदास करमचंद गांधी का। अगर हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में, नंबर 2 पे, आप पेज देख लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ख़त्म कर दिया, अब हम लोग जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे, तो दूसरे पैराग्राफ पे लिखा है आपका, इंग्लिश में पहले आप लोगों को पढ़ के सुना देंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में जाएंगे ट्रांसलेशन पे। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस India remains immovable and that is her glory. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many trust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. तो ये इंग्लिश में था सेकेंड पैराग्राफ, तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं हिंदी में, इसका हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेंस इमूवेबल डेट इज हर ग्लोरी। बोला जा रहा है कि इन सब के बीच भारत अचल है, खड़ा हुआ है वहीं पे, और यही इसकी महिमा है। किसकी महिमा है, तो भारत की महिमा है, वो खड़ा है, अपना सभ्यता को संजो के रखा है। उसके बाद दिया है कि It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. इसके बाद बोला जा रहा है कि भारत पे ये आरोप लगते आ रहा है, भारत पे बहुत सारे देश जो है, सभ्यता है चाहे देश है, वो ये आरोप लगाते आ रहा है कि भारत के लोग असभ्य हैं,
सॉरी भारत के लोग जो है असभ्य, अनजान और सुस्त होते हैं, ये कहना है बहुत सारे देशों का, और इसीलिए उनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं कराया जा सकता। ये आरोप लगता है भारत के लोगों पे। इतने सारे खूबियों के बावजूद ये भारत के लोगों के बारे में एक झूठा आरोप है। ये एक आरोप है जो हमेशा भारत के लोगों पे लगता है, लेकिन ये एक मिथ्य है, मतलब ये झूठ है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डिड नॉट चेंज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने सारे खूबियों के बावजूद ये भारत के लोगों के बारे में एक झूठा आरोप है, मिथ्य है, लेकिन हम जानते हैं कि अनुभव के निहाई पर जो हमें खरा लगता है, निहाई का मतलब होता है एक बड़ा सा कोई वस्तु है जिसपे हम लोहे को शेप देते हैं, आकार देते हैं, तो कहने का मतलब है कि जो भी हमें अनुभव मिलता है, और मुझे हमें लगता है कि ये अनुभव जो है, ये जो है सच्चाई है, इसको हम नहीं बदल सकते, यही हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है। तो कहा जा रहा है कि जो भी हमें अनुभव हुआ हमारे जीवन से, उसको बदलने के लिए हमें हिम्मत नहीं है, हम उसको रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेंस स्टेडी। बहुत सारे देश जो है भारत को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे सभ्यता में आइए, मतलब चाइना है, चाहे जापान है, चाहे और भी बहुत सारे सभ्यता है, लेकिन भारत जो है अपनी सभ्यता को बरकरार रखा हुआ है, वो दूसरे सभ्यता में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सभ्यता है, आगे भी हमने पढ़ा था कि नैतिक विचारों को बढ़ाता है, तो हम इसी में खुश है, तो यही इसकी खूबसूरती है और यही यहाँ पे दिया है दिस इज हर ब्यूटी इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। तो ये जो हम अपना सभ्यता को बरकरार रखे हैं, यही हमारा एक खूबसूरती है। और जहाज को अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे दिया है इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। शीट एंकर मतलब जहाज जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे लंगर होते हैं, उसी को शीट एंकर बोलते हैं। तो लंगर जो है जहाज को आगे, मतलब पानी से कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है, तो उसी तरह से ये हमारे उम्मीदों को बांधे हुए हैं, ये कहना है मोहनदास करमचंद गांधी का। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम शाम को फिर आएंगे आप लोग के बीच, और पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6 तक आज ख़त्म करेंगे रात को, और कल हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारा जो चैनल है नागालैंड इंग्लिश एकेडमी माया टोला जगदीशपुर, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 12 के जितने भी अपने दोस्त हैं उनको बताइए कि हाँ हम एक बार मेरा नाम वैसे सुनील कुमार ठाकुर है, आप लोग मुझे प्यार से सुनील सर कह सकते हैं, एक बार इसको ट्राई कीजिए, और हमें प्रेरणा दीजिए कि हम आप लोग के बीच आए और डेली आपके लिए कुछ नया करें। थैंक यू।